एडोब एक्रोबेट के सहारे कैसे हम लोग वेब पेज क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे आदमी हैं जो लोग एचटीएमएल कोडिंग नहीं जानता है, लेकिन वो भी एक शानदार वेब पेज क्रिएट कर सकता है एडोब एक्रोबेट के सहारे। तो कैसे, आइए जानते हैं। हेलो गाइज, तो एडोब एक्रोबेट एक्स प्रो के सहारे वेब पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो फास्ट काम है, हम लोग उनको जो फाइल हम लोग ब्राउजर में डालना चाह रहे हैं उसको पहले एमएस वर्ड में बना लेना पड़ेगा। तो मेरा एमएस वर्ड में पहले से एक फाइल बना हुआ है, हम लोग इसको वेब पेज में कैसे डाल रहे दिखा रहे हैं। ये है मेरा एमएस वर्ड का फाइल, इसको हम लोग बढ़िया से एमएस वर्ड में बनाए हैं। अब इसको हम लोग ब्राउजर में डालेंगे, तो कैसे डालेंगे देख रहे। इसको हम पहले क्लोज कर दे रहे हैं, एमएस वर्ड का फाइल को पहले क्लोज कर दे रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, इस एमएस वर्ड का फाइल जो है इसको हम लोग एडोब एक्रोबेट के सहारे इसको पहले पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एडोब एक्रोबेट हम खोले, यह मेरा जो पेज एमएस वर्ड में बना हुआ था उसको हम लोग पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट किए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डॉट पीडीएफ। इसको तो इसको पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्रिएट पीडीएफ में मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नाम का जो फाइल है उसको ओपन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डीओसीएक्स, इसको पहले ओपन करना पड़ेगा। अब देख, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला फाइल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रोसेसिंग हो रहा है, अब दोस्तों मेरा जो एमएस वर्ड का फाइल था वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग ब्राउजर में कैसे लाए, तो देखिए फाइल ऑप्शन में जाना पड़ेगा, सेव एज, फाइल ऑप्शन में सेव एज में जो है मोर ऑप्शन में एचटीएमएल वेब पेज, इसमें क्लिक करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डॉट एचटीएमएल, इस फाइल को हम लोग सेव कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग होने में। प्रोसेसिंग शुरू हो गया है, हो गया, मेरा फाइल जो है ब्राउजर में आ गया। देखिए कितना आसानी से विदाउट एनी कोडिंग, एचटीएमएल कोडिंग, हम लोग एक ब्राउजर में पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए मेरा एमएस वर्ड में जो फाइल हम बनाए थे वो ब्राउजर में आ गया। देखिए कितना बढ़िया पेज, एमएस वर्ड का बना हुआ पेज मेरा ब्राउजर में आ गया, वेब पेज बन गया। तो दोस्तों, तो इसका पीछे जो एक एचटीएमएल कोड जनरेट हुआ है वो भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। कैसे उसको हम एचटीएमएल कोड को दिख पाएंगे, देखिए इसको टेक्स्टी फाइल में सेव करना पड़ेगा। तो रीनेम में आए, रीनेम में अब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डॉट एचटीएमएल, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डॉट टेक्स्टी फाइल में सेव करेंगे, डॉट टीएक्सटी। अब देखिए मेरा HTML फाइल टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो गया है, और टेक्स्ट फाइल में हम लोग जो HTML का कोड जनरेट हुआ है वो देख पाएंगे। तो ये देखिए, ये है मेरा
HTML कोड जो अपने आप जनरेट हुआ है। तो इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मान लो हम इसमें CSS डालना चाहते हैं, HTML के साथ CSS कोडिंग डालना चाहते हैं या JavaScript डालना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से हम लोग इसमें CSS और JavaScript डाल सकते हैं और पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना आसानी से हम लोग एक वेब पेज क्रिएट किए है विदाउट HTML कोड। जिसको HTML कोड नहीं आता है वो भी बहुत आसानी से MS Word में अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके उसको वेब पेज में डाल सकता है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जिसको HTML कोड नहीं आता है वो भी आसानी से एक वेब पेज क्रिएट कर सकता है Adobe Acrobat एक्सपर्ट के साथ। दूसरा फायदा ये है कि HTML कोड जिसको आता है वो भी इस तरह से अगर वेब पेज क्रिएट करेगा तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि HTML कोडिंग एक बहुत ही लेंथी एंड बोरिंग प्रोसेस है। लेकिन आसानी से MS Word में हम लोग फाइल बना सकते हैं और उसको Adobe Acrobat एक्सप्रो के सहारे हम लोग PDF में कन्वर्ट करके उसको HTML वेब पेज बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह नया नया वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए कि मेरा इंस्पिरेशन बना रहेगा और आगे हम नया नया इसी तरह वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू।